इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुर्गापुर में। अब दुर्गापुर मैंने सुना है पर मैं कभी गई नहीं और ना मुझे पता है, लेकिन वहां पे कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बोला कि जो गवर्नर थे कि भी आप गुरुदेव अगर आए वहां, क्योंकि इंटरनेशनल है, दूर दूर से लोग और पूरा नॉर्थ ईस्ट असम अरुणाचल उस साइड से सब लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा है। तो मैं अपना लेके चली गई, मैं बैंगलोर में थी तो गुरुजी को मैंने ऐसे दिया, तो उन्होंने पढ़ा ऐसे करके, पेपर जैसे लेते हैं ऐसे करके उन्होंने पढ़ा, कहते हाँ ऐसे करो तुम विक्रम हाजरा को ले जाओ, उसको बोलो वो जाएगा। अच्छा जी चलो ठीक है। अब उन दिनों में विक्रम हाजरा का मेरे पास नंबर नहीं था एंड तो आश्रम में उन्होंने बोला जी हम देते हैं, और उन्होंने मिला के मेरी बात भी करा दी और वो कहते ठीक है मैं आ जाता हूँ। चलो फला फला दिन मैंने टिकट कटाई, कैलकटा गई। कैलकटा से जाने में मेरे वहां पे कोई कजन थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक वो जो लग्जरी कोच नहीं होते वो बसेस बसेस होती है बड़ी वाली, उन्होंने वो मेरे को वहां बिठा दिया कि ये तेरे को सीधा वहां ले जाएगी और वहां तो तेरे अपने लोग होंगे वो तेरे को ले, ऐसे ठीक है। और विक्रम जी को मैंने कहा तो विक्रम जी कहते मेरे लोग हैं, मैं कलकत्ते का ही हूँ तो मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, आई एम कमिंग इन द कार, तो वो गाड़ी में बैठ के पीछे पीछे वो ही रस्ते आ रहे। अच्छा चलो मैं बस में बैठ के पहली बार अकेले ऐसे आ रही हूँ, तो वो तो अब तो हम बन गए ना बलवान शेर, चलो जी चलते हैं। ओके विक्रम इज कमिंग एट द बैक। कुछ घंटों का सफर था, मेरे पीछे कुछ लड़के लड़कियां थे, दे वो फ्रॉम असम, तो वो मेरे को पूछ रहे थे अच्छा आप स्पीकर लेके आए, मैंने कहा नहीं हम यू नो श्री श्री जी के आश्रम से, बहुत अच्छा सत्संग का विक्रम, ऐसे मैं बता रही थी। कहते अच्छा आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है, हमने कहा हाँ। ओ अच्छा अच्छा तो आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे थोड़ा मजाक कर रहे थे, ओ आर्ट ऑफ लिविंग तब तो आप चमत्कारी हो ये वो, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं हम आपको अच्छा लगेगा। कहते अच्छा चलो। बातें करते करते सडनली आगे आधे रास्ते बस रुके और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे क्या हुआ। कहते जी आगे 6 4 5 पता नहीं कितने किलोमीटर आगे जैम है, जैम ही हो गया देखते देखते, इतना भयंकर जैम मैंने कभी नहीं देखा, इट वॉज एन इनक्रेडिबल ट्रैफिक जैम। मैं आगे पीछे बोलू, मैंने कहा मेरा तो 2 घंटे में पहुंचना बहुत जरूरी है, वो तो मेरे लिए वेट करे, कॉन्फ्रेंस है सब लोग आ रहे हैं तो मेरा तो प्रोग्राम है। तो मेरे को पीछे से वो जो असम वाले कहते जी ये जो जैम है ये बहुत ही खतरनाक जैम है, इस टाइप के जब जैम लगते हैं ना आगे जा सकते ना पीछे, अब यहाँ पे तो रात बिताने का आप प्रोग्राम बना लो, यहाँ तंबू लगा के आप अपना टूथब्रश लेके आए हो ना आप यही। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा ये कैसे, ये तो बहुत ही दिस इज वेरी वेरी स्केरी। तो कहते जी ऐसे हो जाते कभी कभी, पर फिर वो जो गवर्नमेंट के वो आते हैं वो हटाते हैं क्योंकि ये रोड इतनी है, ये फंस गया तो फंस गया, कोई ना पीछे ना आगे। मैं ऐसे बैठ के सोचू ऐसे जी ये तो कहाँ से कहाँ आके वो उसने कॉन्फ्रेंस वो पीछे, अब मैं सोचू विक्रम जी पता नहीं किधर फंसे होंगे, अगर मैं फंसी हूं तो वो भी कहीं कैसे आएंगे यू नो। और रात और उस टाइम 3 बजे थे, वी हैड टू रीच बाय 2:30 एंड मैं ऐसे करके सोच रही हूँ। 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद सडनली मैं देखती हूँ कि बस थोड़ी सी जैसे 2 इंच चली, थोड़ी और वो कह रहे पता नहीं बस चला रहा है आगे तो कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो आगे जाए वो आगे वाली बस थोड़ी और चले, वो थोड़े और थोड़े फुट जाए वो आगे, और ऐसे करते करते जब आगे की बस थोड़ी सी ऐसे ऐसे हिली तो मैंने देखा कि जो ऐसे जैम चिपका हुआ ऐसे ऐसे वो ऐसे खुल रहा है, ऐसे ऐसे खुल रहा है ऐसे, और ऐसे करके मतलब जा रही है गाड़ी। वो मेरे पीछे जो बैठे थे वो भी ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, वो आपस में अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। वो दूसरा वो जो ड्राइवर बोल रहा है वो कहता जी पता नहीं आगे तो खुल रहा है पर आगे भी हो सकता है। यू वोंट बिलीव इट फ्रेंड्स, मैं जैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करती कर सकती कि वो इतना जबरदस्त जैम, ऐसे जैसे नदी वो कृष्णा का पैर लगा और वो ऊपर से नदी बह रही थी पानी नीचे आ गया ना जब उनको लेके जा रहे थे,
कहानी पता है, वो ऐसे वो जैम ऐसे खुल रहा है एंड द एंटायर जैम ओपन्ड एंड आई वी सेल्ड थ्रू. और वो जो पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हाँ आप तो आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ करो, मेरे को बोल रहे थे करो करो कुछ ये वो, मेरे को ऐसे देख के बोलते आपने क्या किया. मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया. एंड मेरे मुंह से यही लाइन निकली, व्हेन यू हैव फेथ यू गिव डिवाइन द चांस टू एक्ट. जब आपके अंदर एक फेथ है, श्रद्धा है, तो आप आपका खुला मन, खुला कॉन्शियस डिवाइन को वो मौका देता है कि मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं. तुम ही अगर सारा दिन डाउट डाउट करो तो क्या, वो लेट को इतना सरेंडर ऐसे बैठे, अच्छा चलो कुछ तो गुरुदेव करेंगे कि ऐसे बुलाया है मेरे को, बोला है वहां जाओ. ऐसे तो हो नहीं सकता कि रात भर में या ऐसे खुल गया. दोस्तों रास्ते ऐसे ही खुलते हैं, बस एक मौका तो दो.